लिखे हैं या अनपढ़, इसका उदाहरण आपके सोशल मीडिया बयां कर देती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। दरअसल कट कॉपी पेस्ट रीट्वीट शेयर और फॉरवर्ड के जोर में आप पढ़े लिखे होते हैं तो आप उसकी हकीकत जानते हैं, और अगर आप अनपढ़ होते हैं तो आप बस शेयर कर देते हैं। एक निजी कोचिंग के गुरुजी विकास दिव्याकर्ती सर की 3 घंटे की वीडियो में से 45 सेकंड का वीडियो कट करके और बिना पूरा वीडियो सुने उन्हें हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। आप पहले तथ्य जाने फिर कुछ बोलें। आप उस व्यक्ति को गाली देने का काम और कोचिंग बंद करने की मांग में लगे हैं जिन्होंने आप पर शासन करने वाले हजारों आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी तय किए हैं। आप भी देखिए यह वीडियो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है, कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है, ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। तुलसीदास जी एकदम चुपचाप गोल कर गए इस पूरे मामले को। उनको पता था कि ये सब नहीं चलेगा, फेमिनिज्म पैदा होने वाला 3-4 साल बाद और उस समय की महिलाएं बैंड बजा देंगी। हालांकि फिर भी ऐसी बातें महिलाओं के लिए कह गए हैं कि बैंड बजाने के लिए पर्याप्त कारण है।